नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने से पहले ही कांग्रेस को अपने जीतने वाले नेताओं की खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग का डर सताने लगा है, इसलिए पार्टी ने अभी से खरीद फरोख्त रोकने की रणनीति बना दी है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह तुक्कू इत्यादि दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा कर चुके हैं। चर्चा के बाद निष्कर्ष निकला है कि हिमाचल की वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक एवं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पर्यवेक्षक सचिन पायलट, सह प्रभारी संजय दत्त, गुरकीरत सिंह कोटली, तेजेंद्र पाल बिट्टू मतगणना से एक दो दिन पहले हिमाचल पहुंचेंगे और चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों के साथ तब तक रहेंगे जब तक प्रदेश में सरकार नहीं बन जाती है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि खरीद फरोख्त से बचने के लिए हाईकमान ने चुनाव जीत कर एमएलए बनने वालों को प्रदेश से बाहर गुप्त स्थान पर ले जाने की हिदायत दी है, ताकि बीजेपी के नेता सदस्यों से संपर्क ही ना कर सके। सभी केंद्रीय नेताओं को अलग अलग जिला के जीतने वाले सदस्यों को सरकार बनने तक साथ रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हिमाचल कांग्रेस के कई नेता बीते एक सप्ताह के दौरान खरीद फरोख्त की अंदेशा जता चुके हैं। अन्य प्रदेशों के अनुभव को देखते हुए सियासी गलियारों में भी यह चर्चा आम है कि यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है और कुछ निर्दलीय जीत कर आते हैं तो सूरत कांग्रेस सरकार बनाने से चूक सकती है। ऐसे में भाजपा की सरकार बनाने के ज्यादा चांस रहेंगे। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत जरूरी माना जा रहा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।